कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेब टीवी में। मैंने आपको कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का पहला वीडियो दिया था अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन हुआ है, जिसपे मैंने लेखांकन क्या है, बही खाता क्या है, दोनों में अंतर, लेखांकन की विशेषता, लाभ, दोष, उद्देश्य, इन सब पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो एक बार आप देखते हैं तो आपको दोबारा उसको याद करना ही नहीं पड़ेगा। उस वीडियो को एक बार देखने से, सुनने से, ध्यान से सुनने से आपको पूरे टॉपिक याद आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विशेषता। आपको केवल उस पॉइंट को याद करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप उसके अंदर में कुछ भी लिखने वाले हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखने पर आपको लेखांकन की बेसिक जानकारी हो जाएगी। इसमें भी बहुत चीजें बाकी है जिसको मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्वेश्चन देता हूँ, ऑनलाइन भी, तो ऑफलाइन के बच्चे आ चुके थे उस समय, इसलिए मुझे उस लाइव सेशन को जल्दी खत्म करना पड़ा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्लास 11 अकाउंट चैप्टर 1 का एक वीडियो जो पहले बन चुका है उसको देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद अभी जो आप देख रहे हैं वो फुलफिल होगा, ठीक है, ये उसके बिना दूर है समझ लीजिए। तो बुक निकाल करके बैठे, आज हम उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो हमने छोड़ दिया था चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले तो हमने लेखांकन के कार्य को छोड़ दिया था कि लेखांकन के कितने कार्य हैं, और लाभ को छोड़ दिया था, ठीक है, लाभ पढ़े थे शायद, लेकिन थोड़ा सा पढ़े थे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखांकन के कार्य, क्या लेखांकन के कार्य है। और हाँ, ये वीडियो क्लास 11 अकाउंट्स लेने वाले बच्चों के लिए और बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो है उनको, उनके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही अकाउंट्स दोनों में यूज किया जाता है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे क्लास 11 में हो, ठीक है। तो दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीकॉम वाले इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और नॉर्मल बच्चे लेखा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है, अकाउंट बोलते हैं। तो ये दोनों ही 11th और बीकॉम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं लेखांकन कार्य। इससे पहले हमने जान लिया है लेखांकन क्या है, वित्तीय व्यवहारों को संग्रहण करना, वर्गीकृत करना, सारांश निकालना तथा विश्लेषण करना लेखांकन की परिभाषा है। लेखांकन में समस्त क्रियाओं को किया जाता है, इसलिए इनकी परिभाषा कुछ इस तरह से बनाई गई है। बही खाता हमने समझा था, हिसाब किताब लिखने की सर्वप्रथम बही, लिखने की सर्वप्रथम बही बही खाता कहलाती है। फिर दोनों में हमने बहुत सारे अंतर पढ़े थे, जिसके लिए वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं लेखांकन के कार्य। तो सबसे पहले कार्य है पूर्ण और नियमित लेखे करना। सबसे पहला पूर्ण व नियमित लेखे करना। जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया होगा 12th के बाद, 10th के बाद, जब भी आपने स्टार्ट किया होगा सीए, वहां पर भी बेसिक जो चैप्टर लेखांकन का सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी में, वो उसमें भी यही चैप्टर की थ्योरी है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने बीकॉम में बीबीए लिया होगा, बीकॉम बीबीए या बीएलएलबी कर रहे होंगे या बीकॉम एलएलबी, उनके लिए भी बेसिक तो अकाउंट का थ्योरी पूछा ही जाता है, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। तीसरा है व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना। फिर है
प्रबंध को सहायता प्रदान करना, प्रबंध को सहायता प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है ट्रस्टी का कार्य करना। छठा है आपका वैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। वैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। व्यापार का सही सही मूल्यांकन करना। करो का अरे दूसरा पढ़ो क्या? हाँ हाँ दूसरे में चला गया। दायित्व निर्धारण करना। दायित्व निर्धारण करना ठीक। तो जैसे कि हमने सात पॉइंट लिखा, सातों पॉइंट पे चर्चा करते हैं क्या क्या लेखांकन के कार्य हो सकते हैं। अगर लेखांकन को हम चुनते हैं कि उनका हम व्यापार में प्रयोग करेंगे तो क्यों इसका उपयोग हम करने वाले हैं, इसके भी तो कुछ कार्य होंगे, उन कार्य को समझते हैं। अब सबसे पहले यहाँ मैं जूम कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों को ये स्पष्ट ना दिख रहा हो उनको भी स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं ठीक से देखूँ चाहे ना देखूँ बोर्ड आपको क्लियर दिखेगा जैसे वो एक्चुअल में दिख रहा है। पूर्ण व नियमित लेखन करना, इसका मतलब होता है लेखांकन के कार्य में जो भी व्यवहारों का आप हिसाब किताब रखते हैं, चाहे आप लेनदार और देनदार की जानकारी रखना चाहे, चाहे आप क्रय विक्रय की जानकारी रखना चाहे, किसी भी प्रकार के व्यवहारों का जब आप लेखा करते हैं तो वो पूर्ण लिखे जाते हैं और नियमित लिखे जाते हैं, मतलब लगातार लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे व्यवहार या आपको आधे अधूरे सूचनाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि चिट्ठा संपत्ति, चिट्ठा जब बनाते हैं तो संपत्ति के सारे उसको सारे संपत्तियों को सारे दायित्वों को हम दोनों साइड में लिखते हैं तब हमारा टोटल आता है। ऐसा नहीं होता कि चार दायित्व या चार संपत्ति को लिख करके आपको चिट्ठा दिखाया जा रहा है। संपूर्ण संपत्ति जो व्यापार की होती है उन सबका लेखा किया जाता है, संपूर्ण दायित्व का भी भुगतान किया जाता है या उसको दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं लेखांकन के कार्य पूर्ण व नियमित होते हैं, इसमें समस्त व्यवहारों को एक रीति के अनुसार अंतिम तक लिखे जाते हैं, इसमें अंतिम खाते भी तैयार किए जाते हैं, ये सब आप उसमें बता सकते हैं। अगला पॉइंट है विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। देखिए व्यापार जब हम करते हैं तो हमारे कई पक्ष होते हैं क्योंकि हमने कार्य को कई भागों में बांट दिया होता है। ठीक है, एक एजेंट हमने बांट दिया है जो विभिन्न बड़े बड़े व्यापारी देखोगे के पास जाकर के हमारे कुछ प्रोडक्ट जो नए हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी सैंपल देगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसके बारे में बताएगा और आदेश लेकर के आएगा कितने का माल अगले को चाहिए। तो उस तरह से एक एजेंट हमारा पक्षकार हो सकता है जिसको हम व्यापार की बहुत सारी सूचनाएं दे सकते हैं। उसी तरह से हमारे देनदार होते हैं, गवर्नमेंट होता है जो हमारे व्यवसाय पर टैक्स लगाने वाला होता है, तो उनको भी हम अपने उत्पादन कितने का प्रॉफिट है ये सब हम दिखाते हैं। तो व्यापार में हम किसी से बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं और साथ के साथ समस्त जो व्यापार चक्र के साथ जुड़े हुए हैं सभी पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान की जाती है कि हमारी व्यापारिक स्थिति कैसी है, हमें कितने का माल चाहिए, हम कितने घाटे में, हमें कैसी सहायता चाहिए। तो समस्त सूचनाएं जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी होती है तरक्की करने के लिए या डूबते हुए को बचाने के लिए, ऐसी बहुत सारी सूचनाएं होती है जो विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाई जाती है। व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना। व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा का मतलब ये है आप ये समझ सकते हैं कि समस्त संपत्ति का लेखा जोखा किया जाता है, कब आपने कौन सी संपत्ति खरीदी, उस पर किस दर से ह्रास लगाया, अभी उसका मूल्य कितना हो चुका है, आपने मूल्य ह्रास जब पढ़ा, अभी तो पढ़े नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी यंत्र को जब आप खरीदते हैं तो उस पर एक निश्चित दर से ह्रास निकाली जाती है और उसका एक अवशेष मूल्य ज्ञात किया जाता है। जैसे कि किसी संपत्ति का जीवन काल 10 वर्ष का है कि वो 10 वर्ष तक चलेगा, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि 10 साल तक तो उसका पूरा उपयोग करने के बाद उसका अंतिम मूल्य क्या होगा जिस पर वो बिकेगी। समस्त ह्रास को काटने के बाद वह अंतिम मूल्य जानना ही अवशेष मूल्य कहलाता है। जैसे कि मैंने अगर 1 लाख की एक मशीन ली, हर साल उसमें मैं 1,000-10,000 कुछ ह्रास काट रहा हूं, तो उसका अंतिम मूल्य क्या हो, 0 तक भी जा सकता है, 1 या 10,000 तक आ सकता है। तो वह अंतिम मूल्य जानना अवशेष मूल्य कहलाता है। तो
विभिन्न संपत्तियों की हमने लेखा जोखा किया है, समस्त संपत्ति को रखा है, हमने व्यापार में कितने लेनदार देनदार सबका हिसाब किताब रखा है। तो समझ लीजिए हमने अपने सारे संपत्ति की सुरक्षा करके रखी है। तो लेखांकन के कार्य में सभी संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि सबका ब्यौरा लिखा जाता है। ऐसे में कोई दावा प्रति नहीं कर सकता कि ये संपत्ति हमारी गई है, तुमने इसको चोरी करके लाया है। हमारे पास बिल होंगे, ठीक है, ट्रेजरी बिल होगा। उसी तरह से चौथा पॉइंट है प्रबंध को सहायता प्रदान करना। प्रबंधक वो होता है जो व्यवसाय को संचालित करेगा या समस्त क्रियाओं को देखेगा, उसमें कुछ सुधार करेगा, आदेश देगा, निर्देश देगा। तो प्रबंधक के लिए लेखांकन के जितने भी कार्य है वो बहुत सहायक होते हैं। एक प्रबंधक को जानना है कि इस वर्ष के दौरान कितने का माल खरीदा गया, जिस कंपनी में कितने का बेचा गया, तो उसको क्रय बही और विक्रय बही चाहिए, जिसको लिखने का काम लेखांकन में ही होता है। उसे ये भी जानना होगा कि हमारे लेनदार कितने हैं, हमारे देनदार कितने हैं। लेनदार वह व्यक्ति होते हैं जो पैसे हमसे लेने वाला है, देनदार वो होता है जो पैसे देने वाले हैं। उनकी स्थिति कैसी है, क्या हमारे लेने वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब हम घाटे में हैं, क्या हमारे पैसे देने वाले की संख्या ज्यादा है, शायद हम प्रॉफिट में हैं। ये कुछ स्थिति जाननी होती है, जिसके आधार पर प्रबंधक कुछ सही निर्णय ले सकता है व्यापार की उन्नति के लिए, ये उसको डूबने से बचाने के लिए। तो प्रबंधक के लिए भी लेखांकन बहुत आवश्यक होता है, ये उसके लिए भी सहायता प्रदान करता है। अब है ट्रस्टी का कार्य। ट्रस्टी शब्द आपने सुना होगा कई जगहों में, नाटक में। अब इसमें क्या है, सुनिए ध्यान से। कंपनी की दशा में प्रबंधक पर कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी होती है, और वह कंपनी के कोषों पर ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, और लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रबंधक को यहाँ पर ट्रस्टी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो समस्त संपत्तियों पर अधिकार रखे, समस्त कार्यों को देखे और उसके हिसाब से उन्हें सही तरीके से लागू करे, ताकि व्यापार में काम अच्छे से चलता रहे और लाभ भी होता रहे। अगला है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ण करना। चूंकि लेखांकन में समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है, कितनी संपत्ति कितने दायित्व है सबको ज्ञात किया जाता है, तो जब भी कोई कानून में बात करेगी कोई भी कंपनी या हमारे साझेदार जो आपस में हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सभी साक्ष्य को दिखा सकते हैं, हमारे लाभ हानि खाता चिट्ठा तलपटक सबको दिखा सकते हैं, जिससे अगर कानून में कोई भी दिक्कत होती है तो हम हमारे पक्ष में हमारे पास सबूत रहे। दूसरा, व्यापार जब कंपनियां खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं, नियम पालित करना पड़ता है, तो वो भी कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो बहुत सारे जो लेखांकन में कार्य होते हैं, बिजनेस में जो कार्य होते हैं, उसके लिए जो भी आप प्रारूप प्रमाण पत्र बनवाते हैं वही कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दायित्वों का निर्धारण, तो दायित्वों का निर्धारण जितना साझेदार का होता है उतना कंपनी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनगिनत दायित्व होते हैं जो सबको बांटा जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है, लेखांकन का एक अन्य कार्य संस्था के प्रत्येक विभागों की लाभप्रदता निर्धारण करना भी है, इससे प्रत्येक विभागाध्यक्ष के दायित्व का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है। चूंकि लेखांकन के कार्य को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया होता है, क्रय विक्रय के हिसाब कौन रखेगा, मजदूरों की मजदूरी का हिसाब कौन रखेगा, और लेनदार देनदार का हिसाब कौन रखेगा, लाभ हानि का कौन रखेगा, तो समस्त विभाग के जो अध्यक्ष हैं जो लेखांकन के कार्य कर रहे हैं उनके भी दायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है। ये है लेखांकन के कार्य, जो कि बहुत सिंपल है। आप एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर अपने में से आप कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे से आप इसमें 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आपको काफी अच्छा नंबर इसमें से मिलने वाला है, ठीक है। अब है लेखांकन के लाभ में हमने मुख्यतः 5 टॉपिक पढ़ा था, आज हम उसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि लेखांकन से व्यापारियों को क्या लाभ होगा, लेखांकन से सरकार को क्या लाभ होगा, लेखांकन से विनियोजकों को और कर्मचारियों को क्या लाभ होगा। चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग से आपके एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। सेमेस्टर वाले बच्चे आपको भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्यापारियों को लेखांकन से क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ, भूल से बचाव करने में सहायता। प्रत्येक व्यवहार को याद रखना संभव नहीं है, अतः प्रत्येक व्यवहारों को पुस्तक में तत्काल लिख लिया जाना चाहिए, जिससे अगर हम कुछ भूलने वाले हैं तो उस भूल से बचाव हो सकता है। बस इतना ही पॉइंट आपको उसके अंदर में लिखना है, इस पॉइंट के अंदर इतना ही लाइन लिखना है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। लेखों की सहायता से प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार के क्रय विक्रय लेनदार देनदार संपत्ति तथा व्यवहार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकता है।
तो महत्वपूर्ण सूचना मतलब आपके कितने क्रेता हैं, विक्रेता हैं, लेनदार है, देनदार है, कितनी संपत्ति, कितने दायित्व, कितने व्यय हुए हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण सूचना आपको प्राप्त हो जाती है लिखने से। इसलिए बोला गया है कि लेखांकन व्यापारियों को दूसरा लाभ होता है कि उनको सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तीसरा, लाभ हानि का ज्ञान। भाई लाभ हानि का सही सही ज्ञान होगा क्योंकि आपने समस्त खातों को मेंटेन किया, आपने क्रय विक्रय बही हर प्रकार के बही का प्रयोग किया, आपने सारे खाते बनाए हुए हैं, उसमें लाभ हानि का उचित माध्यम पता चल जाता है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ, और हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चौथा है, करों के निर्धारण में सहायक। व्यापारियों को अनेक करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि आयकर, बिक्री कर आदि, इन करों के निर्धारण में लेखांकन सहायता होता है। क्यों? आपको अगर माल खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स देना होता है, विक्रय पर भी टैक्स देना होता है, माल के निर्माण पर भी टैक्स देना होता है। तो एक व्यापारी अगर हर साल के लेखों का हिसाब किताब रख रहा है, उसको पता है कि मैंने पिछले साल इतने का माल बनाया था जिस पर मुझे इतना टैक्स देना पड़ा था क्रय करने पर, विक्रय करने पर, तो आने वाले समय में अगर मैं अपने क्रय विक्रय को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे टैक्स भी बड़ा देना पड़ेगा, इसका अनुमान वो लगा सकता है। इसलिए करों के निर्धारण के लिए भी व्यापारियों के लिए ये लाभदायक होता है या आवश्यक होता है। ऋण लेने की सुविधा। ऋण की सुविधा होती है भाई, आपने अगर लेखांकन मेंटेन किया है तो किसी को भी आप अपने लेखांकन को अगर दिखाते हैं कि ये मेरे व्यापार का चिट्ठा है या लाभ हानि खाता है, तो किसी को भी पता चल जाएगा आपकी लाभार्जन क्षमता कैसी है, आपको कितना लोन दिया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति हर महीने 5,000 कमा रहा है, उसको फिक्स है 5,000, अगर वो किसी दिन मुझसे 1,000 रुपए उधार मांगेगा तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि वो 5,000 कमाता है और महीने में वो 1,000 मुझे तुरंत दे सकता है। पर उस व्यक्ति को नहीं दूंगा जो महीने में केवल 1,000 या 1,500 कमाता है, क्योंकि उसको मैंने 1,000 दिया मतलब नहीं मिलना है पैसा, पूरा पैसा एक साथ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उस 1,500 से वो अपने महीने भर के खर्चा चला रहे हैं, तो एक बार में आपका 1,000 नहीं दे सकता, प्रैक्टिकली आप करके दे सकते हैं। तो ये कुछ अगर ऋण लेने की बात होती है तो लेखांकन जो होता है, जो व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, उसके आधार पर आपको ऋण बैंक से भी, किसी व्यक्ति से भी या संस्था से भी मिल सकती है। तो इसलिए व्यापारियों को लेखांकन से इतने लाभ होते हैं। अब है मतभेद दूर करने में सहायक। अब मतभेद क्या होते हैं उसको भी समझते हैं। मतभेद, कई व्यापारियों के बीच में क्रय विक्रय संबंधित बातों को लेकर के लेनदार देनदार के संबंधित कुछ विवाद हो जाते हैं कि मैंने इतना का नहीं खरीदा था, मैं इतना को उधारी नहीं लग रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी बात हो सकती है। उन मतभेदों को निपटाया जा सकता है। आपने भले मन में कोई विचार करके आपने बोल दिया कि मैंने तो उस समय इतना खरीदा था तो इतना होना चाहिए, तो इतना कैसे बोल रहे हो, तो हम उसको दिखा सकते हैं ना भाई, वो अपना भी पुस्तक देखेगा, हमारा भी देखेगा, तो विवाद अगर खड़ा हुआ भी है तो समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट है इसका। अब है न्यायालय में प्रमाण। अब मान लो विवाद इनका नहीं खत्म हो रहा है तो कानूनन ये लोग चले गए हाईकोर्ट में अपना अपील करने कि भाई मैं इसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ, तो कानून दोनों से क्या मांगेगा, अपना अपना चिट्ठा दिखाओ, अपना अपना लाभ हानि दिखाओ, क्रय विक्रय दिखाओ। तो जब दोनों का जज पढ़ेंगे तो उन्हें स्पष्ट अनुमान पता चल जाएगा, और कोई त्रुटि रहेगी तो उसके संबंध में दोनों से बात की जाएगी, तो कानूनन जो भी आवश्यकता होती है वो भी पूर्ण हो जाती है, और ये न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में, साक्ष्य के रूप में काम आती है। इसीलिए प्रत्येक व्यापारियों को अपना खाता मेंटेन करना चाहिए, खाता लिखना चाहिए, प्रत्येक क्रय विक्रय की जानकारी को लिखना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी कोई समस्या हो तो कानून में आपकी सहायता हो सके उस प्रलेख के माध्यम से। लिखना को फालतू काम नहीं समझना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। अगला पॉइंट है आपका व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा। मूल्यांकन मतलब होता है जांचना। तो आप व्यापार को कैसे जांचेंगे, बस ये देख कर लिए 10 साल से काम कर रहे हो मतलब बहुत करोड़पति अरबपति होंगे, ऐसे नहीं जा सकता। ये देखा जाता है कि उनके खाते जो लोग वर्ष भर में बना रहे हैं उसमें कितने का क्रय हुआ, कितने का विक्रय हुआ, कितने के समस्त श्रम, पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन का भुगतान किया गया, कितने का माल हानि या नुकसान में चला गया, अब जाकर कितना लाभ हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा राशि बच रही है, इससे पता चलता है कि उसकी लाभार्जन क्षमता कैसी है। हम केवल क्या सोचते हैं, हमने कुछ खरीदा, कुछ छोटे मोटे खर्च भुगतान किया और विक्रय कर दिया, अब जो बचा हमारा लाभ है, ऐसे नहीं होता। टैक्स देना पड़ता है, भूमि कर देना पड़ता है, मशीन लियो, मशीन में खर्च होते हैं, मरम्मत होता है, ईंधन शक्ति लगती है, अनगिनत खर्च होते हैं। इसीलिए प्रारूप जब आप देखते हैं ना व्यापार और लाभ हानि खाते का, तो आपको पता चलता है बहुत सारे खर्च होते हैं, है ना। अब है आपका कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में सहायक। कर्मचारी वर्ग में जो छल कपट होते हैं, जो काम में आलस्य होता है इत्यादि को हम जान सकते हैं। जैसे कि कई कर्मचारी, मान लो हम प्रतिदिन व्यक्तियों को जो काम पे आते हैं उनको हमने कहा है कि आपको साइन कर देना है, क्या आज आप काम पे आए,
कई व्यक्ति साइन करे लेकिन एक घंटे या 20 मिनट के दौरान यहाँ से निकल रहे मान लेते हैं, और ऐसे में आप बस रजिस्टर चेक करते हैं और आप देख नहीं रहे कितने लोग आते हैं। तो इस तरह के जो छल कपट होने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे मैं एक उदाहरण दिया हूं, तो इन पर नियंत्रण हो सकता है लेखांकन को लिखने से, ठीक है। साथ ही साथ और भी कुछ कड़ाई अपनाना पड़ता है, लेकिन लेखांकन से ये भी छल कपट पर नियंत्रण होता है, आपको याद रखना है। फिर है साझेदारी व्यवसाय में सहायक, और 12 है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। साझेदारी व्यवसाय में सहायक होता है क्योंकि प्रत्येक साझेदार या तो कोई नए फर्म में लाया जाता है, तो कोई फर्म पास ग्रहण कर लेता है, फर्म को छोड़ के चला जाता है। तो दोनों ही स्थिति में किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, इस स्थिति में सारे जो लेखांकन होते हैं उसके आधार पर फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो इसलिए भी ये आवश्यक है। ख्याति के भी मूल्यांकन में अगर आपने कुछ लिखा नहीं है तो आप कैसे जानेंगे आपकी ख्याति कितनी बढ़ गई। क्रय विक्रय और लाभ के हिसाब से आपकी ख्याति बढ़ती है, तो जैसे जैसे व्यापार बड़ा होगा ख्याति भी बड़ी होती जाती है, विक्रय भी बड़ा होता जाता है, लाभ भी बड़े होते जाती है। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा भाई, लिखने से, इसलिए जरूरी है। अब हमने पढ़ लिया व्यापारियों को लगभग 12 लाभ है, कर्मचारी को क्या लाभ है। कर्मचारी को 2 लाभ है, एक पारिश्रमिक संबंधित समस्याओं को दूर करना, दूसरा कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक करना, ठीक है। तो देखो पारिश्रमिक संबंधित समस्या क्या होती है, कई कर्मचारी बहुत मेहनत से, सजगता से और ईमानदारी से काम करते हैं, वही कुछ कर्मचारी वर्ग आलस्य और बातचीत और गप्पे लड़ा करके अपना दिन निकाल लेते हैं। तो वहां पर कुछ कर्मचारी हताश होते हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल बातों ही बातों में अपना समय बिता करके उतना पैसा पा रहे हैं जितना मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो मेहनत कर रहे हैं उसको पदोन्नति की सुविधा देनी चाहिए, और जो नहीं कर पा रहे उसके उसके पैसे को काटने की कुछ अभिप्रेरणा रखनी चाहिए। तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक और एक धनात्मक, जो कि आपने 11वीं प्रबंध में पढ़ा है, और नहीं पढ़े तो अभी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कर्मचारी को ये लाभ हो जाता है कि जो भी मजदूरी संबंधी समस्या है, इसमें एक और समस्या ऐसी आती है कि कुछ लोग एडवांस ले लिए रहते हैं, अब ऐसे ऐसे बीच में कितनी बार ले चुके रहते हैं, अब जब महीने के अंत में पैसा मिलता है तो कर्मचारी सोचता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए था, मुझे इतना कम क्यों मिला। तो हो सकता है कुछ छुट्टी का पैसा काटा होगा, कुछ अन्य चीजें होंगी। तो अगर उस कर्मचारी ने समस्त चीजों को लिखा है कि मैं इतने दिन काम आया हूँ, इतने दिन का एडवांस लिया हूँ, इतने दिन में छुट्टी मारा हूँ, तो एक्चुअल मुझे कितना मिलना चाहिए, तो उसका अनुमान सही होगा, फिर वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन वो ऐसा कब कर सकता है, जब वो प्रतिदिन लिखेगा। अगर वो भी नहीं लिख रहा है तो उसको समस्या तो होने वाली है। तो लेखांकन से कर्मचारी को भी लाभ होता है, उसको मजदूरी के बारे में कोई समस्या नहीं हो सकती। और वैसे दूसरा पॉइंट है कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। लेखों के आधार पर कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्य के प्रति सजग है उन्हें पुरस्कृत, और जो नहीं कर पाते उन्हें तिरस्कृत कर दिया जाना चाहिए, जो मैंने बताया था वैसे में है। अब है विनियोजकों को लाभ, मतभेदों को दूर करने में सहायक, और आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक, ठीक है। तो कोई भी मतभेद होते हैं, तलपट में ही हो सकता है, कई बार आपका आंसर नहीं आता है तो कुछ दिक्कत होती है, क्यों नहीं आता है, ऐसे कोई भी मतभेद का निपटारा करने में सहायक होता है विनियोजकों को। और अगला क्या था, आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति। तो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, लेनदार लेनदार व्यापार संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में, वो सभी सूचनाएं लिखने से प्राप्त हो जाती है। ये सभी लिखते हैं और सब एक दूसरे को अपनी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। सरकार को क्या लाभ होता है, सरकार को उस पर टैक्स लगा देती है, फिर उसको लाइसेंस नीति देती है, और कुछ उसको सुविधा भी देती है, करोड़ों में भी सहायता देती है। तो सरकार को भी लेखांकन से अत्यंत लाभ होते हैं, वो कंपनी पर कितना टैक्स लगाएगी, कितना छूट देगी, उसको कितने विस्तृत रूप में काम करने के लिए सुविधा देगी, इत्यादि के बारे में सरकार अगर आपके लेखांकन को देखती है, आपके क्रय विक्रय को देखती है, आपकी बिजनेस आइडियोलॉजी को देखेगी, तो उसके हिसाब से सरकार बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रदान कर सकती है, इसलिए सरकार को बहुत सारे लाभ है। एक एक करके आपको 4-5 पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। उपभोक्ता को क्या लाभ होता है, उपभोक्ता को क्रय विक्रय की जानकारी होगी, लाभ हानि की उसकी जानकारी होगी, उसको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, उपभोक्ताओं को भी लिखना चाहिए, उपभोक्ताओं को भी इससे विशेष लाभ होता है। तो ये हमने कुछ लाभ को पढ़ लिया, कार्य को पढ़ लिया, अब दोष वगैरह जो थे वो तो हमने टच कर लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं आधारभूत शब्द, क्या क्या आधारभूत शब्द, जैसे कि लेनदार क्या होता है, ये बहुत बच्चों को पूछा जाता है, तो अब ध्यान से सुनना, इसको याद भी रख लेना। लेनदार वह व्यक्ति होते हैं जिससे कंपनी ने ऋण लिया है, अब वो कोई संस्था, कोई व्यक्ति या बैंक हो सकती है, जिससे ऋण लिया जाता है व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब हम लोग घाटे में चले जाते हैं, पैसा नहीं आता, तब लोन लिया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा हूँ तो मैं जूम आउट को हटा देता हूँ, ठीक। अगला, देनदार क्या होते हैं, वह व्यक्ति
जो हमें पैसा देने वाले हैं, जिसको हमने उधारी बेचा है, तो जो हमें पैसा देने वाला है वो हमारा देनदार कहलाता है। इन्हें व्यापार की संपत्ति कहते हैं, तो इन्हें संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। लेनदार दायित्व होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना है, तो उन्हें दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है चिट्ठे में। ठीक, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा पूंजी क्या होती है। जब हम कोई व्यापार शुरू करना चाहे तो हम रोकड़, धन, माल, वस्तु कुछ भी लगा सकते हैं, भूमि, भवन, जमीन। तो व्यापार जिन चीजों से प्रारंभ होती है वो समस्त चीजों को, समस्त संपत्ति को, पूंजी को, दायित्व, हर चीज को जिससे व्यापार शुरू हो रही है उसको हम पूंजी कहते हैं। संपत्ति क्या होती है? जिससे व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है, जो व्यापार में प्रयोग किया जा रहा है, फर्नीचर, भूमि, भवन, हर चीज जिससे हमारा काम चल रहा है, वो हमारी संपत्ति होती है। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म शब्द भी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आगे हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, खर्च और व्यय सुनने में एक जैसे लगते हैं पर दोनों अलग अलग हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो संपत्ति की स्थापना और अन्य चीजों के लिए किया जाता है, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो अभी आगम के लिए प्राप्त करना जरूरी होता है। आपने सुना होगा आजकल फ्रॉड बहुत होता है कि आपने केवीसी में या अन्य तरीके से 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ को जीते हैं, लेकिन वो पैसा प्राप्त करने के लिए आपको 5-10 हजार का कुछ वो एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए पे करना होगा, फिर पैसे देंगे। तो वो चूंकि एक फर्जी काम है, आप ऐसे काम से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे, आप इसको उदाहरण में समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे जमीन लेना है तो जमीन की नापा जोखा के लिए, नाम ट्रांसफर करवाने के लिए पटवारी को पैसा देना पड़ता है। अब आपके पास संपत्ति आ रही है, लेकिन संपत्ति के लिए आपने खर्च किया, तो आप किसी भी चीज के आने के लिए, आपकी संपत्ति, रोकड़, धन आने के लिए आपने जो खर्च किया वो आगमगत व्यय कहलाता है, उसको हम खर्च नहीं कहते, आगमगत व्यय। अब जब आपने मजदूरी कमीशन दे दिया तो इससे आपको कुछ संपत्ति नहीं मिलने वाला, मजदूरी कमीशन, किराया वगैरह देने से, तो ये खर्च कहलाते हैं। ये कुछ बेसिक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बैंक अधिकार के बारे में पूछा जाएगा। तो बैंक से जब लंबे समय के लिए ऋण लिया जाता है, जिसकी चुकाने की अवधि बहुत समय की होती है, 5-10 साल 20 साल की दीर्घकालीन अवधि, तो इसको हम बोलते हैं बैंक अधिविकास। अब दायित्व और संपत्ति को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। दायित्व 3 प्रकार के होते हैं, चालू दायित्व, संयोगिक दायित्व और स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व वह दायित्व होते हैं जिसको चुकाने की अवधि बहुत लंबी होती है, 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की या 100 साल की भी, अगर उतना नहीं होता, अधिकतर 20 साल की होती है। तो जिन दायित्वों का भुगतान लंबे अवधि के बाद करना है उसे दीर्घकालीन अवधि को स्थायी दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व क्या होता है? जिसका संबंध निकटतम भविष्य से होता है, मासिक दायित्व देना होता है, जैसे कि बीमा का हर महीना देना या तिमाही देना, छमाही देना। ठीक है, हर महीने का कोई सी टैक्स को देना, कर को भुगतान करना। तो जो दायित्व हर महीने प्रकट हो सकते हैं या 2 महीने बाद प्रकट हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं चालू दायित्व। संयोगिक दायित्व क्या होता है? वह दायित्व संयोगिक दायित्व कहलाता है जिसका अभी कोई संबंध नहीं है, भविष्य में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, हमने बस कल्पना किया कि भविष्य में हम कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, इसके कारण हमें दायित्व क्या हो सकता है, मतलब ऋण लेना पड़ सकता है या कोई दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो जो भविष्य की कल्पना पर आपने दायित्व खड़ा किया उसको आप संयोगिक दायित्व कहते हैं। संपत्ति भी 3 प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। स्थायी संपत्ति वह होती है जिसको आप हिला डुला नहीं सकते, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप मशीन को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, परंतु जमीन को आप यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते, भवन को यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते, भवन को टूट जाएगा। तो ऐसी कुछ संपत्ति के उदाहरण होते हैं जिसके माध्यम से आपको समझना है कि स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता। अब चालू संपत्ति ठीक उसके उल्टा, जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो कहीं भी ला सकते हैं, रोकड़ होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, ऐसे फर्नीचर वगैरह हो गया, बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, देनदार वगैरह, ये आपकी चालू संपत्ति होती है। अब आपकी अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको ना तो आप देख सकते ना तो छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा, जब हम सांस लेते हैं हमें पता चलता है कि हम हवा ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसी एक ऐसी संपत्ति होती है इसको ना तो देखे ना छू सके, तो वो क्या कहलाती है? वो ख्याति कहलाती है। ख्याति को हम प्रसिद्धि बोलते हैं। प्रसिद्धि मतलब जो जितना फेमस होगा उसकी ख्याति उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि शाहरुख खान भारत के अलावा, भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा फेमस है। सऊदी अरब में उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें उनके लिए फ्री कर दी गई है, किसी भी होटल में रुक सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम नेट में देख सकते हैं। ये उनकी प्रसिद्धि है, यही ख्याति कहलाती है। जितना प्रसिद्ध होगा उसको उतनी ख्याति होगी। तो व्यापार जितना प्रसिद्ध होगा,
ख्याति उतनी बड़ी होगी, उसके समान उतनी ज्यादा बिकेंगी पूरे देश और पूरे विश्व में भी वो लोग प्रसिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि चाइना है, कहां कहां वो बिजनेस नहीं करता, वो बहुत प्रसिद्ध है। ये हमने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा, ऐसे बहुत सारी चीजों आपको जानना है जिसके लिए आपको ग्यारहवीं का बुक उठाना है, लास्ट में पेज में आना है, आपको लेखांकन के आधार कुछ शब्द मिलेंगे उनको पढ़ के देखना है, जो चीज समझ नहीं आएगा आप मेरे को पूछ सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक बताकर के आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको याद रखना है स्कंद या रहस्य किसे कहते हैं, स्कंद उसे कहते हैं जो माल वर्ष के दौरान बिकने से बच गया। हमने अभी मान लो 1 तारीख को 1 जनवरी को कुछ माल खरीदा, इसको साल भर के अंदर बेचना है। अब दिसंबर में सब बेच के आ रहे हैं तो पता चल रहा है किसी के पास 1000 का माल बचा, किसी पर 2000 का माल बचा, कुल मिला कितना बचा, मान लो 10-20 हजार का माल बच गया। तो ऐसे माल को हम अंतिम रहतिया कहते हैं जो माल बिकने से बच जाए। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, एक बार आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप पॉइंट्स को जान करके अच्छे से उसके बारे में लिख सकें। तो थोड़ा पढ़िएगा, मेहनत कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।